दोस्तों अगर कार या बाइक को हमें रोकना होता है तो हम सिंपल ब्रेक प्रेस कर देते हैं, जिससे टायर जाम हो जाती है और हमारी कार या बाइक रुक जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन हजारों लाखों टन के शिप को पानी में कैसे रोका जाता होगा? सिंपल सी बात है, हाइड्रोलिक प्रेशर तो रुक नहीं सकती। जब शिप 35 से 45 किलोमीटर पर आवर की तेज स्पीड से तैरती रहती है तो इसे रोकने के कई तरीके होते हैं। पहला, शिप के डायरेक्शन को चेंज करके शिप को ट्रिप्ट कराया जाए, जिससे ट्रिप्ट फोर्स की वजह से शिप धीमा हो जाएगी और रुक जाएगी। और दूसरा बिल्कुल सिंपल है, इसमें बस इंजन को बंद कर देना होता है, जिससे अपने आप ही कुछ किलोमीटर चलने के बाद रुक जाएगी। लेकिन ये तरीका इमरजेंसी में बिल्कुल भी काम नहीं आता। तीसरा तरीका होता है प्रोपेलर्स को रोककर अपोजिट साइड में रोटेट करवाना। इस तरीके से शिप तो जल्दी रुक जाती है, लेकिन इसमें इंजन पर काफी ज्यादा लोड पड़ता है। इसीलिए मॉडर्न शिप में इस प्रकार के कंट्रोलेबल पिथ प्रोपेलर लगे होते हैं। इसमें हम केवल प्रोपेलर के ब्लेड के एंगल को चेंज करते हैं, जिससे कि प्रोपेलर पीछे के बजाय पानी को आगे फेंकने लग जाती है। इस तरीके में इंजन भी खराब नहीं होता और शिप आसानी से रुक भी जाती है।